आपके वार्ड के मुस्लिम दिया था कोई बंदा, अब याद नहीं कौन दिया था। उसने सुधीर शर्मा का नाम लिखाया था, वो तो हमारे वार्ड में है ही नहीं। अब वो उसी ने दिया है, उसको पूछो क्यों दिया, आपने वार्ड का क्यों नहीं दिया। नहीं उसको तो मैं पूछूंगा, लेकिन मतलब क्रॉस चेक नहीं किया ना आपने। कितने लोगों की लिस्ट दी आपने, हाँ कितने लोगों की लिस्ट दी आपने? हर वो है हर वार्ड से एक एक बंदा। वार्ड से एक बंदा? सर ये कौन सी गाइडलाइन में लिखा कि हर वार्ड से एक बंदा चाहिए यूथ क्लब के लिए? उन्होंने बोला कि आप दे दो 7 बंदे, तो हमने सोचा कि हर वार्ड से एक एक बंदा रहेगा तो हर वार्ड नहीं है को सर, आपने रखेगा। गाइडलाइंस पढ़ी है क्या? सर न जैसे हमें ऊपर से डायरेक्शन आया हमने वैसे किया। एक तो डायरेक्शन होती है वर्बल, एक होती है रिटर्न। एक रिटर्न गाइडलाइंस जो है डीसी ऑफिस से जो निकली है, उसमें उसकी गाइडलाइंस पढ़ी है आपने? अरे हमें जैसे ऑफिसर बोलेगा हमने वैसे करना है, हमने पूरे साहब हमने मैं ये बस पूछ रहा हूँ, डीसी बड़ा है कि आपका ऑफिसर बड़ा है? नहीं, हमें तो हमारा ऑफिसर ही बड़ा है, क्योंकि हमें जो वो अच्छा। डर है, अब हमें क्या पता डीसी साहब ने जो ऑर्डर किया वो वीडियो के लिए किया है, फिर वीडियो साहब जो हमें ऑर्डर करेगा हमें तो उसी पे चलना है। मतलब आप ये मतलब ये कह रहे हैं कि वीडियो ने आपको कहा है कि उस उन गाइडलाइंस को आप नहीं मानो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, राइट? नहीं, उसने उसने कहा कि आप 6-7 बंदे दे दो अपनी पंचायत से यूथ क्लब के लिए, तो नहीं हमें क्या पता बिल्कुल डीसी साहब ने उनको क्या बोला होगा, वो तो उनको पता होगा। नहीं, डीसी साहब ने कोई बंद कमरे में थोड़ी ना बात की है, डीसी साहब ने तो ऑर्डर निकाला है इसलिए। नहीं, डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला वो हमें पता नहीं, हमें बीडीओ साहब ने बोला कि अगर उन्होंने बोला होता कि आप कोई इजलास करो या कोई ग्राम सभा करो या नोटिस लगा दो, कहीं इश्तेहार लगा दो, तो हाँ हम उसी हिसाब से चलते। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप दे दो हर पंचायत से, उन्होंने मांगे 6-7 बंदे दे दो हर वो उसके लिए पंचायत। मांगे थे सर। आपको गलत हाँ जानकारी है, आपको गलत हाँ जानकारी है। ये उन्होंने जो 6-7 बंदे आप बोल रहे हो ना, वो तो स्पोर्ट्स के हाँ लिए मांगे थे। मतलब आप अपने ऑफिसर से पूछते भी नहीं है कि आपको डाटा किस लिए चाहिए, यूथ नहीं, उन्होंने बोला कि यूथ क्लब के लिए चाहिए हमें। क्लब के लिए सर? तो फिर मतलब ये तो ये वो अनअवेयर मतलब अनपढ़ों वाली बात हो गई कि जैसे मुझे बोलेगा जो भेड़ चाल चलेंगे, जैसा वो चलाएगा मेरा भेड़ों वाला तो वैसे मैं चलूंगा। ये तो नहीं, भेड़ों ऐसे वाली बात, जो ऑफिसर को ऊपर से डायरेक्शन हो गई वो थोड़ा कोई वो भाई साहब, वही अनपढ़ तो मैं होगा, आपको कह रहा हूँ, ऑफिसर को वो क्या तो वही ये करेगा। ऑफिसर को क्या ये डायरेक्शंस हैं कि आपको मतलब डीसी को ऑर्डर नहीं मानना है जो रिटर्न में है, जो पब्लिक डोमेन में है, और वो जो अपनी बात बोल रहा है वही चलेगी? नहीं, डीसी डीसी साहब ने ऑर्डर करना है, उधर उससे नीचे जो ऑफिसर हैं उन्होंने फिर हमें जो बताना है वो, तो हम उसी पे चलेंगे जो हमारा ऑफिसर बोलेगा, हाँ तो मैं ये तो आप हमारा ऑफिसर चलेगा जो उसको डीसी साहब डायरेक्शन देंगे। हाँ मैं आपसे यही कंफर्म कर रहा हूँ कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीडीओ साहब ने आपको बोला है कि हर मुझे 7 बंदों की लिस्ट चाहिए, बिल्कुल, तो आपने 9 बंदों की लिस्ट कैसे दी फिर? वो हमने उन्होंने बोला कि आप कंसर्न PRI जो हैं उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अच्छा नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने ली, आपसे बीडीओ ने 7 बंदों की लिस्ट मांगी, तो आपने फिर 9 बंदों की लिस्ट कैसे दी, ये जान रहा हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि और अगर आप दे सकते हैं और भी बंदे दे सकते हो आप, उसके बाद और हमने दिए। हाँ कितने दिए आपने उसके बाद और? उसके बाद वो पता नहीं कि वो 2 बंदे और दिए थे। नहीं सर, दिस इज सच एन इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, आप कह रहे हो मुझे पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है? आप तो कह रहे हो कि उसके बाद पता ही नहीं है, दो कहा 2 बंदे और नहीं, दिए। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद 2 हमने दिए हैं और 2 बंदे। तो मतलब आप ये क्या, मुझे वीडियो से बात करनी पड़ेगी अब इस मसले में, हाँ अब मुझे वीडियो से बात करनी पड़ेगी मतलब। हाँ आप कर सकते हो उनके साथ बात। मैं उन वीडियो को साफ साफ कहूंगा कि आपका GRS ऐसे ऐसे बोल रहा है कि वीडियो ने कहा है कि 7 बंदे देने हैं। हाँ, उन्होंने हमें ग्रुप में मैसेज किया कि आप हर पंचायत से, उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं कहा, उन्होंने पूरी जितनी पंचायत हमारे ब्लॉक में, उन्होंने लिखा कि आप 5 से 7 बंदे दे दो उसके लिए, फिर हमने दिए। उसके बाद मैं ऑफिस में गया, उधर मैंने उन वो जो हमारे क्लर्क हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि और अगर होगा कोई और आप दे सकते हैं, तो उसके बाद हमने ग्राम सभा में भी लोगों को बोला था कि अगर कोई और देना चाहता है ना वो सरपंच साहब के पास दे सकता है। ग्राम सभा कब हुई सर? ग्राम सभा तो एक बार ग्राम सभा हुई, उसमें तो कह रहे हैं कि हमने बात की PMAY की वेरिफिकेशन पे बात की PMAY की थी, लेकिन उसमें वो बात भी हुई थी, लोगों ने कहा था कि हमें पता नहीं है, है। फिर हमने उन लोगों को बोला था कि आप दे सकते हैं और नाम फिर सरपंच साहब को आप लिखा सकते हैं, वो तो हमने उनको बोला था, तो उसमें कितने नाम और ऐड हुए फिर? वो फिर सरपंच को ही पता होगा किसने उसकी लिस्ट दी थी, किन 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 की लिस्ट दी होगी, क्या क्या किया वो होगा। लिस्ट सबमिट हो गई है? हाँ, वो लिस्ट सबमिट हो गई है वीडियो को? वो तो उसी दिन जब पहले उन्होंने मांगी थी हमने दे दी थी, उसके बाद सरपंच साहब का पता नहीं उसने दी थी वो लिस्ट की नहीं, वो मुझे पता नहीं। नहीं मतलब आप ऑफिशियल जो लिस्ट है वो आप सबमिट करते हैं, सरपंच करते हैं? मतलब इसमें है कि इसमें सरपंच भी कर सकता है ऑफिस में जाके सबमिट, मैं आपकी जानकारी के बिना
मतलब वो तो उसमें क्या, हमने उसने बोला था कि आप दे सकते हो और पंचायत से बांध दे, फिर हमने उनको बोला सरपंच साहब को लिखाओ नाम, सरपंच जी यार साहब, भी दे सकते उसमें। आप मेरी बात को समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरपंच के आपकी जानकारी के बिना कोई लिस्ट ऑफिस में सबमिट करा सकता है? क्यों नहीं कराएगा? अच्छा, तो मतलब आप भी कोई लिस्ट सरपंच की जानकारी के बिना ऑफिस में सबमिट करा सकते हैं? नहीं, हम भी अगर कोई ऐसी लिस्ट होगी जिस पे सरपंच का वो साइन जरूरी होगा, तो कुछ ऐसी होती है सरपंच के बगैर या उसको पूछ के हम कर सकते हैं सबमिट। हाँ, बिना बिना पूछे कौन सी चीजें करते हैं आप, जैसे मसलन? मतलब मैं बोल रहा अगर कोई होगा ऐसा चीज मतलब जो हम खुद कर सकते हैं, वही वही अब जो पूछा अब मसलन, ऐसी कौन सी चीजें जो आप खुद कर सकते हैं जिसमें आपको मतलब सरपंच? मैं जैसे हमें ऊपर से डायरेक्शन आएगी, जो हमें अब परसों आई डायरेक्शन PMAY की, आप वेरिफिकेशन ग्राम सभा करो उसके लिए, तो हमने वही किया। अच्छा, हाँ तो मतलब आपको फिर, आपको तो फिर ये भी जानकारी नहीं रहती होगी, जैसे आप कह रहे हो कि जो वार्ड मेंबर ने कहा मैंने वो कर दिया, तो मतलब ये हाँ वार्ड में हमने हमने कंसर्न PRI से ही कंसल्ट करना था, हम खुद मतलब हर एक घर के बंदे के साथ थोड़ी हम शेयर कर सकते। क्या, मैं समझ नहीं आई मुझे, क्या फिर से बोलें? मतलब आपने बोला कि आपने वार्ड मेंबर से ही कंसर्न, हमने तो कंसर्न वार्ड मेंबर से ही करना था ना, या सरपंच से, कि आपने कौन से रखने अपनी पंचायत में वो तो आप क्या, यूज आप करते। उसको एडवाइस नहीं कर सकते हो सरपंच के कि हम क्यों ना इसको पब्लिक डोमेन में डालें और एक बार में काम खत्म हो जाए, कोई बार बार हमें 20 बार लिस्टें ना बनानी पड़े, एक बार इजलास कर लें या ग्राम सभा कर लें तो काम खत्म कर लें? नहीं, इसके लिए अगर हमें ऊपर से डायरेक्शन होती कि आप ग्राम सभा करो, हमने ग्राम सभा ही की होती। तो क्या सरपंच अपने बिहाफ पे ग्राम सभा नहीं बुला सकता है? उसको वीडियो को ऑर्डर दिए क्यों नहीं होते, बुला सकते? नहीं, वो बुला सकते हैं, वो क्यों नहीं बुला सकते? बुला सकता है ना? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है ना, जो नई लिस्ट बनी है अगर वो प्लीज आप हाँ। शेयर कर दें, ताकि हमें भी जानकारी रहे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, जो कौन सी लिस्ट? यूथ क्लब की है, हाँ? यूथ क्लब की जो है। हाँ, अच्छा और दूसरी दूसरी जो लिस्ट आप कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए कुछ लिस्ट मांगी है, उसकी जानकारी है आपको कुछ? नहीं, उसके बारे में हमें मुझे कुछ जानकारी ना, मुझसे किसी ने मांगी नहीं, तो मतलब वो सबमिट हुई है कि नहीं हुई है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं होगी आपको? अच्छा उसका आपने बोला और मुझे मैंने सुना, उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप एक बार कंफर्म कीजिए और मैं भी BDO ऑफिस में कंफर्म करता हूँ कि क्या वो लिस्ट सबमिट हुई है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच।